हे गाइस, आज इस वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड स्पॉटलाइट कलेक्शन डेस्कटॉप इमेज ऑन विंडोज 11। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस फोल्डर में जाना होगा जहां पर ये सभी इमेजेस डाउनलोड होते हैं। तो उस फोल्डर का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद आपको ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ पर जो पाथ है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने ये यहाँ पर कुछ फाइलें दिखेंगी, इनको सभी को कॉपी कर लेना है। उन सभी फाइलों को कॉपी कर लेना है जिनका जो साइज है जो कुछ 100 KB से ऊपर है। तो इन सभी को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हमें जाना है दिस पीसी पे। दिस पीसी के बाद हमें जाना है पिक्चर्स में और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ स्पॉटलाइट इमेज और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमें ओपन करना है CMD। तो यहाँ से मैं सर्च ऐप का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्च करना है CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपको सामने ये कुछ दिखेगा C:, और इसको CD... करके पूरा हटा लेना है जिससे आप सी ड्राइव में पहुंच जाओगे। और यहाँ पे CD टाइप करके स्पेस और जो जो हमने पैथ कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे जिससे कि हम उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको एक कमांड है जो कि है ren:***.jpg। इससे होगा ये कि जितने भी इमेजेस हैं उनके पीछे जो डॉट लगा हुआ है वो .jpg में बदल जाएगा। तो सभी फाइलों का जो नाम है वो .jpg में हो जाएगा और वो पिक्चर शो होने लगेंगी। तो उसके टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। तो आप देखोगे अब उस फोल्डर को खोलते हैं तो देख सकते हो कि उस फोल्डर में जो स्पॉटलाइट इमेजेस का जो फोल्डर था उसमें सभी इमेजेस आ गई हैं। तो ये सभी वो इमेजेस हैं जो कि स्पॉटलाइट कलेक्शन में डाउनलोड हुई हैं। तो इन सभी को इस तरीके से आप अब ओपन करके चेक कर सकते हो। देख सकते हो जो बैकग्राउंड पर मेरी इमेज आ रही है वो इमेज यहाँ पर ये रही। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज 11 में स्पॉटलाइट कलेक्शन की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें वो सभी इमेजेस आएंगी जो आपके लॉक स्क्रीन और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आई हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विंडोज 11 से रिलेटेड हेल्पफुल ट्यूटोरियल और विंडोज 11 से रिलेटेड फिक्सेस को की वीडियो देखने के लिए। और विजिट करें मेरी वेबसाइट howtomovepc.com विंडोज 11 के लेटेस्ट आर्टिकल को देखने के लिए।